ये बादल की चादर, ये बादल चादर, ये तारों की आंचल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। ये देखिए गाइस, फ्रिज का टेम्परेचर ना एकदम लो पे है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसका देखना बर्फ बनी हुई है। तो मैं चाय में दूध डाल रहा था, तो इसका अंदर ये देखिए पूरी इसकी बर्फ भर गई, और इसको ही डाल देते हैं इसका अंदर, है ना मजेदार। ये आ गए गाइस हमारी सुबह की चाय, और अब एक बार नज़ारे देखिए गाइस। ये देखिए नज़ारे, ये सामने है यहाँ पर कैलाश पर्वत, और इस साइड है सुबारदार। तो आपको रोज़ सुबह सुबह ऐसे पहाड़ देखने को मिले ना, तो आपका जो है वो दिन एकदम अच्छा निकल जाता है, और सुबह सुबह आपको भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर सुबारनाग हैं हमारे कुल देवता, और इस साइड हैं वासुकी महाराज जी। तो दिन तो अच्छा निकलेगा, सुबह सुबह पहाड़ और देवताओं के दर्शन, और इस जगह पर बैठकर जो सुबह की चाय पीने का आनंद है ना, वो आपको किसी फाइव स्टार होटल में नहीं मिलेगा। आप एक बार चेक कीजिए, ये जो नज़ारे हैं ना, ऐसे नज़ारे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुंगला गांव में, वहाँ से मुझे लाने हैं सेब के बूटे। तो मैं निकल पड़ा हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ यहाँ से, और फिर ये वाला पहाड़ है ना, ये मुझे पूरा वहाँ तक चढ़ना है। अभी तक जो है प्लेन रास्ता था, लेकिन अब यहाँ आगे नाले से ना चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए गाइस कहाँ से आया हूँ मैं, और अभी मुझे ना ये पूरा पहाड़ चढ़ना है। बस यही एक चढ़ाई वाला रास्ता है, बाकी तो प्लेन था। तो पहुंच तो गया हूँ मैं कुंगला गांव में, बस मुझे घर नहीं सही, तो मैं यहाँ पर किसी को पूछता हूँ। नमस्ते गुरु जी, ठीक है। तो गाइस पहुंच गया हूँ मैं यहाँ ऊपर ही घर, तो मैं यहाँ पर काम निपटाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ आधे रास्ते में, ये है वो बूटे, और अभी मुझे लग रही प्यास, तो यहीं पर ये देख सकते हैं कि ये नाग है, तो पानी पीते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए घर में, अब हम जाएंगे अपनी बाग में, वहां पर इन बूटों को लगाएंगे, जिसमें कि सेब है, अखरोट है, खुबानी है। तो गाइस इस वक्त मैं जा रहा हूं खेत में, वहां पर डालनी है खाद। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में यह है खाद की बाल्टी। तो पहुंच गया हूं गाइस मैं खेत में, ये खेत हमारे घर से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। तो ये है गाइस हमारा खेत, जो कि यहां से लेके पूरा वहां तक, यहां पर आपको एक पेड़ दिख रहा होगा वहां तक है, और इस वाली नाली से लेकर वहां पूरे एंड तक हमने लगाए हैं इसके अंदर गेहूं। और ये गेहूं हमने लगाए थे दिसंबर में, तो अब जो है ये बड़े हो गए, तो अब जो है सही टाइम है कि हम इनमें खाद डालें। ये इस बाल्टी में लाई है मैंने खाद, तो ये सफ़ेद वाली खाद है, बाकी एक काली खाद भी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं अब खाद डालना। तो कैसे डालेंगे हम, पहले ऐसे पकड़ेंगे ना, और फिर ऐसे फेंकेंगे, ऐसे पूरे जहाँ जहाँ भी हमने ये गेहूँ लगाए ना, वहाँ पर डालेंगे। सिर्फ यहाँ नीचे नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगे हैं मटर। यहाँ पर देखिए कितना घना बीज डाला है, और इधर देखिए कितना पतला बीज डाला है, और वहाँ पर नीचे फिर से घना है,
और आगे पतला फिर घना। तो पहुंच गए हम घर में, खेत में खाद भी डाल दी हमने। तो अब मेरा मन हो रहा है कि मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगा। इसमें है कॉर्न, और ये जो कॉर्न है ना, ये हमने ख़रीदा नहीं है, अपने खेत में हमने उगाया था, तो वही है। तो इसको हम बनाएंगे आज कुकर में। तो गाइस, हम शाम को पहाड़ों का आनंद लेते हुए करेंगे पॉपकॉर्न एंजॉय। सूरज डूब चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैलाश पर्वत जो है कैसे चमक रहा है। तो करते हैं हम अपने आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय किया। एंजॉय किया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।